में बहुत बहुत ज्यादा असर पड़ा है। जीएसटी के लागू होने से कारोबार समझिए बिल्कुल 50% रह गए हैं, क्योंकि एक तो पूर्ण जानकारी नहीं है किसी को भी, सेंट्रल ऑफिस में कोई हमें जानकारी देने को तैयार नहीं है। हम जाते हैं, वो कहते हैं कस्टमर केयर में लाए, हम कस्टमर केयर में मिलाते हैं तो वो कहते हैं साहब हमें पूरी जानकारी नहीं है, आप देख लीजिए। और हम कोई अगर अपनी तरफ से कुछ करते हैं तो रास्ते में सेंटर्स वाले कहते हैं साहब ये कागज पूरा नहीं है, ये चीज पूरी नहीं है। इसमें इतनी दिक्कतें हो रही है कि बहुत ज्यादा। आपका किस चीज का कारोबार है? ट्रांसपोर्ट का कारोबार है, मैं शर्मा ट्रांसपोर्ट। क्या दिक्कत आ रही है उसमें? हमें दिक्कत ये आ रही है कि ई वे बिल सबके निकालने पड़ते हैं, उसमें कभी लाइट नहीं आ रही है, कभी लाइट की दिक्कत है, कभी नेट नहीं है। और 10-10 रुपए पेज अगर हम बाहर जाते हैं साइबर कैफे में निकालने हैं तो 10-10 रुपए पेज का खर्चा आता है। तो पार्टी भी दिक्कत कर रही होगी? पार्टी भी दिक्कत करती है, पार्टियों को जानकारी नहीं है, किसी के पास जीएसटी नंबर नहीं है तो वो कहते हैं आधार कार्ड से माल चले जाए तो वो बिना ई वे बिल के नहीं जा सकते, पूरा इकट्ठा माल नहीं जा सकता ई वे बिल के थ्रू। जो हमारा डेली 5-6 गाड़ी का काम था वो सिमट के 2 गाड़ियों में रह गया। हमारा क्या पूरे ट्रांसपोर्ट जगत पे बहुत बड़ा असर पड़ा है इसका। और सबसे बड़ा, हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया जीएसटी में, ना हम किसी से जीएसटी ले रहे हैं, हम ना दे रहे, हम तो एक सर्विस प्रदान कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट व्यापारियों को। लेकिन हम लोगों पे पेनल्टी लगाई जा रही है कि आप अपने नक्शे जमानी कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट के फ्री वाले कि टैक्स नील के नक्शे, अगर हम नील के नक्शे नहीं जमा कर पा रहे, हमें कोई जानकारी नहीं है कि वकीलों का 5-5,000 रुपए दें, हम कहाँ से देंगे? उसके ऊपर हम लोगों पे पेनल्टी लगाई जा रही है, 100 रुपए रोज की पेनल्टी लगाई जा रही है। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि जीएसटी से बहुत बड़ा असर व्यापार में पड़ा है और ट्रांसपोर्टरों पर बहुत बड़ा असर। सबसे बड़ी बात ये कि हमें कोई जानकारी नहीं है भाई। बहुत से लोग हम अनपढ़ हैं, कोई और ट्रांसपोर्ट अनपढ़ है, नहीं किसी को नहीं पता, तो हम सेंटर ऑफिस जाते हैं जानकारी लेने के लिए, वो कहते हैं आप नेट पे देख लीजिए। नेट पे हम कस्टमर केयर फोन मिलाते हैं, वो कहते हैं हमें नहीं पता। इससे बहुत दिक्कतें आ रही है व्यापार करने में और बहुत बहुत परेशानी आती है। एक वर्ष में आप व्यापारी का टैक्स जमा होता रहेगा, लेकिन उसको पूरे साल के नक्शा दाखिल होने के बाद 2 महीने बाद पैसा मिलेगा वापिस। जब ज्यादा जमा हो जाएगा तो वापिस 2 महीने बाद मिलेगा और उनका टैक्स हाथों हाथ जमा होगा। तो ये सारी समस्याएं भी हैं। जो मध्यम वर्ग व्यापारी उसकी पूंजी जमा हो जाएगी। आज मैं कहना चाहता हूँ बड़े जो बड़े उद्यमी हैं जो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं उनका करोड़ों रुपया टैक्स के रूप में जमाए और आज व्यवसाय उनका लड़खड़ा रहा है। आज यही कारण है कि निर्यात जो है व्यापार पिट रहा है। मैं यहाँ इस बात को इसलिए कहना चाहता हूँ कि हम इस बात की जीएसटी के हम विरोध में नहीं है, जीएसटी का हम स्वागत करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा है कि जैसे टिम्बर है, टिम्बर में मंडी शुल्क आज व्यापार चल रहा है, इसका फायर ब्रिगेड का जो एफएसओ का जो लकड़ी का है वो अलग विभाग का टैक्स लगा हुआ है और जीएसटी का अलग लगा हुआ है, कहाँ एक हुआ? इसी तरीके किराने में जीएसटी अलग है और मंडी शुल्क अलग है, कहाँ एक हुआ? अब ये कहा जाता है तो ये कहा जाता है, मंत्री जी कल आए थे वो भी कह रहे थे अरे भाई मंडी से हमने कई जगह खत्म कर दिया है, कई व्यवस्थाएं खत्म हो गई हैं और धीरे धीरे सब व्यवस्थाएं होंगी। तो ये संतुष्टि उठी है, इसको थोड़ा सा अगर संयम से अगर ये सुधार करना चाहें। सबसे बड़ी कमी क्या रही इस जीएसटी में कि इन्होंने व्यापारी प्रतिनिधियों को, जो व्यापारी प्रतिनिधि बैठने चाहिए वो उन्होंने नहीं बुलाए और उन्होंने उनसे सामंजस्य नहीं बनाकर काम नहीं किया, इसलिए ये खामियां नहीं है। और यहाँ लाल भीतासाई हावी है, ये भारतीय जनता पार्टी जब जब आई है, जब जब लाल भीतासाई हावी हुआ है और व्यापारी वर्ग का तो शोषण निश्चित हुआ है।